एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप सब लोग जानते होंगे और आपके घर पर भी इसको बनाते होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस डिश दाल बाटी, जिसे हर घर में राजस्थान में बनाया जाता है और वहाँ के लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। सबके चाहे तो कोई फंक्शन पार्टी हो या फिर कोई त्यौहार हो, हर घर में इसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है सबको खाने में और राजस्थान का ये ट्रेडिशनल फूड है, हर किसी के घर में ये बनता है। चाहे तो कुछ भी प्रोग्राम हो, हमेशा इसको बना करके और सर्व करते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दाल बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ली है मिक्स वाली दाल। इसमें काफ़ी तरह की दाल है, आपके पास मिक्स वाली दाल नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी प्लेन एक दाल बना सकते हैं। तो मेरे पास ये मिक्सचर वाली दाल थी तो मैंने एक कप लिया है इसे। अब हम इसे अच्छे से धो के 2 से 3 बार बढ़िया से साफ़ कर लेंगे और बढ़िया से धोकर इसे अच्छे से साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी, मतलब 2 कप पानी, जिससे कि दाल अच्छे से भीग जाएगी और थोड़ी फूल जाएगी तो कम टाइम लगेगा इसको उबलने में। तो यहाँ पर 2 कप पानी मैंने दाल भीगने के लिए रखा है। अब हम इसको 10 मिनट के ऐसे ही कवर करके साइड में छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट ख़त्म हो चुके हैं, हम दाल को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दाल कितनी सारी हो गई है फूल के, काफ़ी थोड़ी बड़ी भी हो गई है। तो दाल को जब चावल या फिर दाल कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम इसको भीगने के लिए रख देते हैं तो बहुत ही कम टाइम लगता है इनको उबलने में। तो अब हम इस पानी को तो फेंक देंगे और इसे डाल देंगे कुकर में। जो दाल है उसका पानी मैंने फेंक दिया है और दाल को हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इस प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे पानी। तो हमें इसमें टोटल 3 कप पानी डालना है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए वैसे, पतली भी नहीं होनी चाहिए दाल, गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, तभी खाने में अच्छी लगती है। तो मैंने टोटल यहाँ पर 3 कप पानी दाल में डाला है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 तेज़पत्ता, 1 स्टार फूल और जो भी मसाले आपके पास हो खड़े वो आप इसमें थोड़ी थोड़ी से डाल सकते हैं। इनका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जब हम इनको पहले दाल में डालते हैं। तो हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 2 सीटी लगवा लेते हैं अच्छे से और उसको गैस पे रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है आटा बाटी बनाने के लिए। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया आटे में। आप घर के लिए बाटी बना रहे हैं तो आप आटा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नमक डाला है आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। बढ़िया से हम इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर को मैंने गैस पे रख दिया है इसमें 2 सीटी लगाने के लिए और मेरा आटा भी एकदम बढ़िया से लग के तैयार है। इसको भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं कवर करके, जिससे कि आटा भी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट और नरम रहेगा और बाटी हमारी एकदम बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर कुकर में भी 2 सीटी आ चुकी थी। अब हम दाल को देख लेते हैं कि दाल हमारी कैसी बनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त दाल उबल के तैयार है और इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से 2 सीटी आ चुकी थी। तो आप देख सकते हैं दाल एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, बस इस तरीके की दाल होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं फिर से, मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, सब्जी बनाने के लिए जितना तेल चाहिए आप इसमें डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, 2 हरी मिर्च बारीक कट करके और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। सारी चीज़ों को अच्छे से तेल के साथ भून लेते हैं। प्याज का हल्का सा कलर पिंक हो जाएगा, अच्छे से हल्का सा भून जाएगा। तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। खड़े मसाले में मैंने 2 से 3 लौंग ली है और 2 छोटी इलायची और 3 काली मिर्च ली हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को पका लेते हैं। अदरक का पेस्ट बना लिया था, अच्छे से इनको पका करके आप इनको पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको बाद में डाला है, ये आपकी मर्ज़ी, आप पहले भी डाल सकते हैं। 8 से 10 हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सब्ज़ी में और खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो बढ़िया से कड़ी पत्तों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने धो के और अच्छे से बारीक कट कर लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे और बढ़िया से इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी सब्ज़ी और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें थोड़े से मसाले और डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाले, हम ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं सारी चीज़ें। अच्छे से बढ़िया से मसालों को पकाएंगे
और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मसालों को एकदम ज़बरदस्त से पकाना है। बढ़िया सा कलर आ जाना चाहिए और तेल ऊपर आ जाने चाहिए थी। जब इस स्टेज पर हमारे मसालों के ऊपर तेल आने लगेगा तो हम इसमें बॉयल डाल देंगे और अच्छे से दाल को मिक्स करेंगे और गरम मसाला डाल के और इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद दाल एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त बन करके तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी एकदम बिल्कुल अच्छे से रेडी है, एक बढ़िया सा उबाल दाल में आ गया है। ऊपर से फ्रेश हरा भरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी बन करके तैयार है। तो इस तरीके से दाल बन जाती है, बिल्कुल भी इसको बनाने में टाइम नहीं लगता, बहुत ही बढ़िया लगती है बाटी के साथ खाने में। वैसे तो आप इसे रोटी पूरी पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं, लेकिन बाटी के साथ खाते हैं तो और भी बढ़िया लगती है दाल। तो यहाँ पर हमारी दाल एकदम बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, लेकिन अभी बाटी बनी नहीं है तो सर्व अभी हम इसको नहीं करेंगे। इसको हम ढक्कन बंद करके और साइड में रख देते हैं, जब हम खाएंगे तब हम इसमें से निकाल लेंगे। तो साइड में मैंने रख दिया है दाल को। यहाँ पर मेरा आटा भी हल्का सा सॉफ्ट हो चुका था, इसको मैं थोड़ा सा आँच से और ठीक कर लेती हूँ क्योंकि हम इसकी लोई बनाने वाले हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर गैस पे एक रख देती हूँ अप्पे पैन, क्योंकि सारी बाटियों को आज मैं इस अप्पे पैन में बनाने वाली हूँ। इससे क्या होगा, हमको जो बाटी बनाने का ओवन होता है उससे भी जल्दी बाटी इसमें बन करके तैयार होती है, बहुत ही जल्द बन जाती है, खाने में भी बढ़िया लगती है और फटाफट से हमारा काम हो भी जाता है। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए जो अप्पे पैन है उसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता अप्पे पैन को, फटाफट से गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो यहाँ पर जो आटा है उसकी हम छोटी छोटी सी लोई बना करके तैयार कर लेंगे। आपको इसमें बड़ी लोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो अप्पे पैन है उसके छोटे छोटे से जो सांचे हैं बस इतनी सी ही हमें लोई बनानी है। और बना करके हम एक बर्तन में रख लेंगे सारी लोइयों को और गोल गोल एकदम बिल्कुल लड्डू की तरह हमें इसकी लोई बना करके तैयार करनी है। फटाफट से हम इसकी एक लोई और बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी लोई बन करके तैयार है और हमें इसको बिल्कुल लड्डू की जैसा शेप देना है, जैसे बाटी बनाते हैं एकदम चपटी सी, वैसा इसको हमें नहीं करना। आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा लड्डू की तरह ही बनाया सारी बाटियों को, क्योंकि ऐसी बाटियाँ इसमें बहुत ही बढ़िया से सिकती हैं। तो सारी बाटियों को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर जो हमारा अप्पे पैन है बढ़िया से गर्म हो गया है 4 से 5 मिनट में ही, और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया था पहले ही, आप चाहो तो घी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सारी बाटियाँ हैं एक एक करके हम सारी बाटियों को अप्पे पैन में डालते जाएंगे। थोड़ा सा मैं इनको साइड चेंज करके डाल रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ से तेल लग जाएगा तो बाटी फटाफट जल्दी से सिक जाएंगी। इन बाटियों को सिकने में 10 मिनट लगते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से हमारी बाटियाँ सिक जाती हैं। तो हम सारी बाटियों को अप्पे पैन में साइड चेंज करते हुए डालते जाएंगे जिससे कि बाटी फटाफट से सिक जाएंगी और इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहो तो इन बाटियों को ओवन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी बाटियों को डाल दिया है अप्पे पैन में। अब हम इसे ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और बीच में चेक कर लेंगे। अगर जल्दी ये सिक जाती हैं तो आप जल्दी भी इनकी साइड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट ख़त्म हो गए थे, मैं इनके ऊपर तेल लगा देती हूँ थोड़ा सा। आप चाहो तो इसकी जगह घी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं तेल ही लगाती हूँ इन वाली बाटियों के, जब लास्ट में हम घी लगाते हैं इस टाइम में मैं तेल ही यूज करती हूँ। तो हम सारी बाटियों की इसी तरीके से साइड चेंज कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि बाटी दोनों तरफ से एकदम बढ़िया से सिके और बिल्कुल भी कच्चापन इनके अंदर नहीं रहे। तो सारी बाटियों की बढ़िया से हमें साइड चेंज कर लेनी है अच्छे से, और जब ये साइड चेंज हो जाएगी फिर से हम इसको ढक्कन बंद करके और दो से तीन मिनट और पकाएंगे। थोड़ा सा मैंने ऊपर भी और तेल लगा दिया है। इस तरीके से आप करेंगे बाटी बनाएंगे तो आपको फटाफट से ये बाटी बन करके तैयार हो जाएगी। जब भी आपके घर मेहमान आने वाले हो तो आप अप्पे पैन में बाटी बनाइए, बहुत ही जल्द बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं फिर से मैंने एक बार और साइड चेंज कर दी है, बाटी हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक के तैयार है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और सेक लेती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत कच्ची रह जाती है किनोर वगैरह में, तो ये अच्छे से सिक जाएंगी। तो मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेते हैं। तो ये लीजिए फाइनली हमारी बाटी बढ़िया से सिक के तैयार है, बिल्कुल भी कच्चेपन की इसमें कोई भी शिकायत नहीं रहती, ये मेरी गारंटी है। मैं फुल विश्वास के साथ आपसे कहती हूँ कि अप्पे पैन में इतनी ज़बरदस्त बाटी बनती है कि एक बार आपने इनमें बनाकर ट्राई कर ली अप्पे पैन में तो आप ओवन को हमेशा के लिए भूल जाएंगे और ओवन में बाटियाँ बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। इतनी टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बाटी बन करके तैयार होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सारी गोल गोल बाटियाँ बनके तैयार हैं। गैस को बंद कर देते हैं और यहाँ पर मैंने घी गर्म कर लिया है थोड़ा सा बाटियों को चुपड़ने के लिए। तो घी हमारा एकदम बिल्कुल गर्म है, गर्मा गर्म घी में हम बाटियों को डुबो देते हैं और सारी बाटियों को घी में बढ़िया से डुबकी लगवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी बाटी एकदम बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म घी में हमने इनको डाल दिया है। फटाफट से हम सर्विंग करते हैं।
अब बाटी बन गई है, दाल बन गई है, तो सर्विंग के लिए हम इनको रेडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी ज़बरदस्त थाली बन करके तैयार है। तो ये लीजिए फाइनली हमारी दाल बाटी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये थाली को बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से 10 मिनट में ये थाली बन जाती है। घर के सामानों से मैंने इसे बनाया है, कोई भी सामान आपको मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बाटियाँ और एकदम बिल्कुल गोल गोल खिली खिली बन के तैयार है। तो आपने भी अगर यदि इसे नहीं बनाया है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही बढ़िया हेल्दी और टेस्टी फूड है, आपको सबको पसंद आएगा घर में और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, प्यारे प्यारे से कमेंट करें, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलूंगी आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।